नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। खराब मौसम के कारण करीब एक दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार को फिर से शुरू हो गई और 4026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। उल्लेखनीय है कि खराब मौसम के कारण जम्मू से यात्रा स्थगित कर दी गई थी और रविवार को किसी भी जत्थे को घाटी में आधार शिविरों की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज जब सुबह श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ तो सबका उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग अपने घर से प्रण लेकर आए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन किए बिना हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज से यात्रा शुरू कर दी, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। बाबा का दर्शन लेने के लिए तो यहाँ आए थे हम, लेकिन ये हादसा बहुत बेकार कंडीशन में सिचुएशन में यात्रियों के थे और यहाँ भी गवर्नमेंट ने आज से यात्रा चालू कर दी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको बता दें कि आज से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सीढ़ियां रातों रात बना दी गई हैं। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के जवानों ने यह कारनामा कर दिखाया। चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट किया, यात्रा के पहलगाम से आज शुरू होने के मद्देनजर पवित्र गुफा के बाहर यात्रियों के लिए रात भर में अस्थायी सीढ़ी बनाई गई। यही नहीं, अमरनाथ में बादल फटने के बाद बचाव कार्य और रास्ते को साफ करने की गति में तेजी लाने के लिए भारतीय सेना के जवान महत्वपूर्ण बचाव उपकरण बालटाल में खींच कर लाए और बचाव अभियान में खोजी कुत्तों और मानवीय प्रयासों के साथ साथ हाईटेक उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं। राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जिस प्रकार से CRPF, जम्मू पुलिस प्रशासन और आर्मी के लोगों ने वहां बचाव किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। मनोज सिन्हा ने बाद में अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों से बातचीत की। दूसरी ओर बचावकर्ता त्रासदी के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लापता लोगों के मिलने की उम्मीद हर गुजरते घंटे के साथ और धूमिल होती जा रही है। राज्य आपदा मोचन बल के एक अधिकारी ने कहा, बचाव अभियान जारी है और विभिन्न एजेंसियों के कर्मी जीवित लोगों को खोजने की उम्मीद में मलबे को साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने का अधिकांश काम खोजी कुत्तों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, हमने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन मलबे में दबे किसी भी व्यक्ति का मिलना अब चमत्कार होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक किसी के जीवित या कोई शव मिलने का सवाल है तो अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। बचावकर्ता यह पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों के अलावा थर्मल इमेजर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मलबे में क्या कोई जीवित व्यक्ति है। बहरहाल, हम आपको बता दें कि अभी तक 125,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।